Assalamu alaikum. Good morning. How are you, class? Hope you all are fine. Yes, I am also fine. Thank you, class one. Now, class one, today is your science period. Take out your science copies. Take out your science copies, class one. और class one, आप लोगों ने reading नहीं send की मुझे बहुत सारे बच्चों ने कुछ बच्चों ने की है बहुत अच्छी reading की और मैंने उनको comments भी दिए हैं इसी आप लोग reading मुझे send करें in the four pages की चाहे एक एक पेज की करके दें लेकिन आप लोग सेंड जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं इसलिए आप लोग ये रीडिंग मुझे जरूर सेंड करें ठीक है। अब मैं आप लोगों को आज हमारा वर्क है कल हमने लैंड एनिमल्स के बारे में वर्क किया था कॉपी वर्क किया था आज हम लोग करेंगे वाटर एनिमल्स के बारे में। सबसे पहले हम क्या करते हैं मेंशन डेट एंड डे क्लास वन टुडे इज 3rd December टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड इस्लामिक डेट 18 रबीउल सानी फोर्टीन हंड्रेड 42। अच्छा रबीउल सानी जब हम लिखते हैं RABI फिर डैश फिर US डैश फिर SANI और फिर हम लोग कॉमा लगाते हैं सब बच्चे कॉमा का ख्याल रखेंगे जब भी हम लोग ईयर सीख रहे होंगे 42 यहाँ भी हमने कॉमा लिखा यहाँ भी हमने कॉमा लगाया और यहाँ हमने ओरिजिनल नंबर्स हमने पढ़े थे ना याद है ना आपको स्कूल में तो ओरिजिनल नंबर्स यूज करते हैं हम लोग वीक में और डेज में तो वो उसमें हमने लिखा है ठीक है। इसी तरह हम लोग डेट एंड डे मेंशन करेंगे और आज डे क्या है थर्सडे THURSDAY थर्सडे सबको मेरे ख्याल से स्पेलिंग याद ही है थर्सडे की ने दे। अच्छा आप क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा क्वेश्चन किससे लिखते हैं बेटा हम लोग राइट डाउन करेंगे ब्लू पेंसिल से Q3 क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द नेम W कैपिटल बिल्कुल मेरी तरह ही बनाएंगे आप लोग WRITE आप लोगों को पता ही है फर्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं करेंगे टी को हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं याद है ना फर्स्ट एंड सेकंड लाइन के मिड से राइट द ऑफ थ्री वन फिंगर गैप से लिखेंगे हर बार राइट द नेम ऑफ थ्री THREE वाटर एनिमल्स वाटर एनिमल्स के नेम सीखने हैं हमने वाटर एनिमल्स के नेम लिखने वाटर एनिमल्स AN IMALS और फिर हम लोग एंड में आपको पता ही है ना क्वेश्चन मार्क राइट करते हैं ना जब हमारा आंसर लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं फुल स्टॉप राइट करते हैं और जब हम क्वेश्चन लिख रहे होते हैं तो हम लोग क्या वो करते हैं क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं और बेटा मेरे साथ साथ वर्क करके मुझे आप लोग पिक्चर जरूर सेंड करा करें ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे कितना अच्छा वर्क करना है ठीक है। आंसर
आंसर में सबसे पहले वाटर एनिमल के जब हम लोग सोचते हैं तो सबसे पहले कौन सा नेम आता है हमारे माइंड में? जी फिश। फिश हमें पता है, हम लोग खाते भी हैं, है ना, ईट करते हैं बड़े शौक से। और आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी फिश आई हुई है। फिश नंबर वन इज फिश, नंबर टू इज टू। देखें मेरी तरह ही टू और वन के वो करेंगे आप लोग, राइट करेंगे, क्योंकि आप लोग नीचे ऊपर नहीं करेंगे, छोटा सा टू नहीं बनाएंगे। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस, ओ सी टी ओ पी यू एस, ऑक्टोपस। एंड नंबर थ्री इज, थोड़ा खुला खुला लिखेंगे हम लोग, गैप्स दे दे के लिखेंगे, इज ई एल इज। हमने ये तीनों के बारे में परसों यानी ना ट्यूसडे हमने समझा था ना। अब हम लोग इसके आगे का वो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर फोर इज, राइट टू नेम ऑफ टी। देखे पर से टॉप से स्टार्ट नहीं किया है बिल्कुल, देखा आप लोगों ने, राइट आर डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट टू नेम ऑफ टी डब्ल्यू ओ टू एन ए एम ई। एन हैज अ टेल, ए हैज अ टेल, ई हैज अ टेल। देखिए सबके टेल हैं इन तीनों की, हमने टेल्स बनाई है ना, टेल्स ही बनी होगी तो फिर कितनी रेड मार्किंग होगी, और फिर रेड मार्किंग होगी तो आप लोग को अच्छा ही लगता। नेम ऑफ वाटर एनिमल, डब्ल्यू ए टी ई आर, वाटर एनिमल्स। और आप लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी हो गई थी, अब तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी राइटिंग कर ली थी, एक दो बच्चों के अलावा, तो वो बच्चे अपनी राइटिंग को गंदा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सही है, वाटर एनिमल्स दैट कैन। फिर मम्मी मैम आप लोगों को हैप्पी फेस नहीं देंगे अगर आप लोगों ने गंदे गंदी राइटिंग में किया। दैट THAT, दैट कांट, CAN कॉमा टी। ये कांट क्या होता है? कांट मीन्स होता है कैन नॉट। जैसे हम कांट को शॉर्ट फॉर्म में हम कैन नॉट को हम लोग कांट यूज करते हैं। सही है, ब्रीथ BREATH ई, ब्रीथ अंडर वाटर। जी ये तो आप लोगों को पता ही है, मुझे पता है आप लोगों ने समझा था, और जिन बच्चों ने रीडिंग की थी बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने मुझे सेंड भी की थी, अब्दुल हादी अजीम, अब्दुल हादी इब्राहिम ने तो मुझे फौरन से रीडिंग सेंड कर दी थी पहले दिन ही, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। इन दोनों ने मुझे देखा, आप लोग कर रहे होंगे ना तो फिर आप लोग रीडिंग्स भूलेंगे भी नहीं, और आप लोगों को रिमेम्बर भी रहेगा, और क्वेश्चन आंसर लर्न करने में भी आसानी रहती है। फिर तो आप लोगों ने राइट टू नेम ऑफ वाटर एनिमल, एनिमल्स सॉरी ऐसा लगेगा, टू नेम्स है ना, और दैट कांट ब्रीथ अंडर वाटर। नाउ क्लास वन आंसर राइट डाउन करेंगे, डब्ल्यू वेयर्स, वेयर्स डब्ल्यू एच ए एल ई एस, ANDE एंड डॉल्फिन DOL PH IN, डॉल्फिन कौन, एंड के आप टेल बनाइएगा जरूर, कॉन ब्रिज CAN कॉमा टी, कॉन ब्रिथ अंडर वाटर। ये दोनों जो फिशेस हैं ये
ये क्या करती हैं अंदर? वो क्यों नहीं ले पाती हैं? ये क्या करती हैं? अपना सर को क्या करती हैं, बाहर निकालती हैं हेड्स को, और फिर ये ब्रीथ करती हैं, आपको पता है? लेकिन रहती है वाटर में ही है ब्रीथ, अंडर वाटर, UNDER, अंडर वाटर। एंड में क्या राइट डाउन करेंगे हम लोग? फुल स्टॉप। नाउ क्लास वन, नेक्स्ट आपका जो ये होमवर्क है, एक्टिविटी है, सही है? क्वेश्चन नंबर 5। हमने तो कहते हैं आपको, मैंने आपको कहते हैं ट्यूसडे को आपको ड्रॉ करने की दी बुक बुक में, के आप ना वो कर लें, बुक में आपको ड्रॉ करने का दी थी रैंड एनिमल्स, और उसका शो किया था कि आप लोगों ने शो करना था उसके फीट्स और लेग्स, और उसमें आपने कलर्स भी कर सकते हैं। कोई से बच्चे ने कलर नहीं किए होंगे तो कलर भी कीजिए, और मुझे ज़रूर पिक्चर सेंड कीजिए उनके जो आपने किए, मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा। अगर आप लोगों ने पिक्चर सेंड नहीं की है तो कहते हैं पिक्चर सेंड कीजिए, ठीक है? अच्छा क्लास वन, अब हमारी एक्टिविटी है क्वेश्चन नंबर 5 में। नाउ क्लास वन एक्टिविटी है ये, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारी। ड्रॉ अ डायग्राम, DRAW, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ फिश, FISH फिश। ये होमवर्क है आपका। अच्छा, होमवर्क की हेडिंग डालेंगे, डेट एंड डे मेंशन करेंगे, फिश एंड लेबल इट। ना क्लास वन कैसे ड्रॉ करनी है हमने डायग्राम, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ब्लैंक पेज पे हमने डायग्राम ड्रॉ करनी है, बहुत खूबसूरत सी। क्या था, आपकी टीचर इतनी प्यारी नहीं ड्रॉ कर रही हो, लेकिन आप इससे भी अच्छी सी फिश की डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है? बहुत इजीली तरीका है, आप इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखें, सही है? अच्छा, इसके फर्ज दिखाएंगे हम लोग, या वो कहते हैं फिंस दिखाएंगे इनके, और गिल्स दिखाएंगे, सही है? यहाँ इनके गिल्स होते हैं, यहाँ ये फिंस होते हैं, और ये इसकी क्या होती है, टेल। सही है, टेल है, ये फिंस है, सही है, और ये क्या है, गिल्स। और इसको कलर भी करेंगे अच्छा सा, ठीक है? ठीक है, इसका थोड़ा सा इस तरह से मुंह बनाएंगे, ठीक है? इस तरह से हम लोग, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? और ये आपका क्या था, क्लास वर्क। तो क्लास वर्क हम सुबह सुबह जैसे ही मिस सेंड करें आपको, मैं आपको सेंड करती हूँ, आप लोग वर्क कर लिया कीजिए, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट टाइम। कल हम लोग बुक का वर्क रीड करेंगे, नहीं कल तो हमारी कंप्यूटर आर्ट्स की क्लास है, अब नेक्स्ट वीक में हमारी उर्दू और मैथ्स की, उसके बाद हम लोग ना साइंस का इंग्लिश, उससे नेक्स्ट वीक पे, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट टाइम।